देखिए, लास्ट मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 9 में मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी पे कैसे काम होता है, उसके टू बेसिक्स प्रोग्राम्स भी बताए थे। तो आइए हम देखते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले कि डिक्शनरी क्या होता है। तो देखिए, उसके लिए जरूरी है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डिक्शनरी, ठीक है ना। डिक्शनरी क्या है? अगर डिक्शनरी को डिफाइन किया जाए तो डिक्शनरी को अपन कह सकते हैं कि मींस ए काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं आइटम्स को, ठीक है ना, इन की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। और की क्या होती है इसके अंदर? की के अगर अपन बात कर रहे हैं, है ना, की वैल्यू पेयर्स। और की क्या होती है? की इसके अंदर होती है आपके यूनिक आइडेंटिफायर। किसी भी आइटम की होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होती है। और इसके अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, ये क्या होता है? म्यूटेबल होता है। जो भी आपके डिक्शनरी होती है, उसका जितना भी डेटा होता है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। और इसको स्टार्ट या एंड किससे करते हैं? एंड विथ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना, कि जो भी आपके ये स्टार्ट होगी या फिर एंड होगी वो किससे होगी? कर्ली ब्रेसेस से होगी। और इसके अंदर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो की का लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है ना, इसको कॉलन से डिनोट किया जाएगा। कॉलन से डिनोट करके हम क्या करेंगे? जैसे सपोज कीजिए, एक की ली हमने रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर जो हमने की ली है उसके अंदर कॉलन से हम डिनोट करेंगे और राइट हैंड साइड पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो जब भी हम उसकी की को कॉल करेंगे, वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अगर मैं यहां पर एक वैल्यू ले रहा हूं नेम, तो ये इसकी की वैल्यू हो गई। कॉलन लगा के मैंने जैसे ही उसका नाम सपोज कीजिए राजेश लिख दिया, तो ये उसकी वैल्यू हो गई। तो इस ढंग से हम डेटा एसोसिएशन करते हैं। किसके अंदर? जो भी अपनी, मैंने आपको बताया था, डिक्शनरी के अंदर। और वैल्यू जो सेपरेट करते हैं वो करते हैं अपन कॉमा से, ठीक है ना। जो भी कॉमा होता है, कॉमा लगा के, जैसे मैंने यहां पर किया है, या फिर और वैल्यू लिखूंगा तो मैं कॉमा सेपरेशन यूज में लूंगा। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं बाकी के प्रोग्राम्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप देखिए, एक मैं यहां पर एक D1 ले रहा हूं। D1 मैंने डिक्शनरी ली और डिक्शनरी को क्रिएट कर रहा हूं। डिक्शनरी को देखिए, जब मैं क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि पहले मैंने, जैसे पिछली बार भी जो किया था, सपोज कीजिए मैंने लिखा इसके अंदर रोल नंबर, कॉलन 1001। अब मैंने इसके अंदर क्या लिखा, ये देखिए यहाँ पर जो भी अपन लेके चलते हैं, ठीक है ना, वो डबल कोट या सिंगल कोट से लेके चलते हैं, जिससे इसको पता लगे कि ये स्ट्रिंग है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सिंगल लेंगे अपन D1 को। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नेम, इसको भी मैं क्या करूंगा, वही सिंगल कोट, क्योंकि स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट या डबल कोट से डिनोट करूंगा।
और मैंने लिख दिया रोहित। क्लास सपोज कीजिए मैंने लिख दिया बीटेक, ठीक है। तो इस ढंग से हमने क्या किया है कि ये क्रिएट की हुई है, लेकिन देखिए नेम के आगे आ रहा है ना, तो ये क्यों आ रहा है? हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, इस कारण ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये देखिए क्या गलती हुई है, कॉलम नहीं लगाया हमने। कॉलम मैंने आपको बताया था कि कॉलम से इसको अपन वो करते हैं, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया था। तो ये देखिए आप D1 में कोई आपको गलती नहीं दिखा रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आज का जो ऑप्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एलिमेंट्स अपडेशन इन डिक्शनरी। अब देखिए एलिमेंट्स अपडेशन हम किस तरह से करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास में जो भी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए मुझे रोल नंबर अपडेट करना है, तो मैंने क्या किया कि D1, ठीक है, और D1 में मुझे क्या अपडेट करना है, रोल नंबर, ठीक है। और इसको मैं वही लेके चलूंगा, स्ट्रिंग बना के चलना है, नहीं तो समझेगा ही नहीं। और इक्वल टू मैंने सपोज कीजिए 5221 कर दिया, क्लियर। तो जैसे ही मैंने 5221 किया और जब मैंने प्रिंट D1 किया तो देखिए प्रिंट क्या आता है, देखिए रोल नंबर हैज बीन चेंज हियर, यू कैन सी इट दैट नाउ रोल नंबर इज 5221 और प्रीवियस रोल नंबर क्या था। इसको भी एक बार यहां पर प्रिंट करा लेता हूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे किसी तरह का। देखिए पहले रोल नंबर 1001 था, फिर 5221 हो गया। ये हमने क्या किया, अपडेशन किया है। और अगर मल्टीपल वैल्यूज करनी है तो मैं क्या करूं, मल्टीपल वैल्यूज कैसे करूंगा, तो देखिए आइए मल्टीपल वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, और यहां पर ठीक है मल्टीपल अपडेशन कैसे करेंगे अपन, इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल अपडेशन कैसे करेंगे, तो हमने D1 लिया, D1 डॉट डॉट लगाते ही जैसे देखिए इसके सारे ऑप्शंस हमारे पास में आ जाते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, और अपडेट पे क्लिक करके देखिए मैंने यहाँ पर जैसे पहले मैं चेंज करना चाह रहा हूँ नेम, ठीक है। नेम को मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसका नाम वैभव कर दिया। दूसरी एंट्री चेंज करना चाह रहा हूं मैं क्लास, देखिए मैंने इसे MCA कर दिया, क्लियर। अब ये अपडेट हो गई, जब मैं प्रिंट D1 कराऊंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले रोल नंबर ये था, रोल नंबर सेम है, नेम रोहित था, नेम वैभव हो गया,
क्लास बीटेक थी, क्लास एमसीए हो गई, ये कहलाती है आपके मल्टीपल डिक्शनरी एलिमेंट। अब होता है देखिए, सपोज कीजिए कि मुझे इसके अंदर एक नई की वैल्यू एंटर करनी है। की वैल्यू मींस की होगी और उसकी वैल्यू होगी, तो मैं कैसे करूंगा, तो आइए देखते हैं। एडिशन ऑफ न्यू की वैल्यू पेयर, मतलब की और वैल्यू दोनों इसके अंदर मेरे ऐड हो जाएंगी। तो कैसे होगी, तो इसके लिए मैं काम करूंगा, मेरी डिक्शनरी जो मैंने बनाई थी ले ली है, और उसके अंदर क्या करूंगा, सपोज कीजिए एक मैंने वैल्यू ली और उसके अंदर मैंने वैल्यू ऐड करी, नेम हो गया, क्लास हो गया, रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक रिजल्ट की ली है और इसकी जो वैल्यू है जो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूं, सपोज कीजिए मैंने इंसर्ट कर दी एक्सीलेंट, मेरी क्लास में सभी स्टूडेंट एक्सीलेंट है। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रिंट कराते हैं, देखिए रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, क्लास आ गई, रिजल्ट आ गया। एक्सीलेंट मींस ये एक की वैल्यू पेयर जो मैंने बताया था कॉलम से डिवाइड किया जाता है, वो आपके यहाँ पर आ चुका है। अब सपोज कीजिए मुझे अगर रिमूव करना है किसी की पेयर को, रिमूव करना है की वैल्यू पेयर को, तो कैसे करूंगा मैं, अगर मुझे करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अगर मैं पूरी वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, तो देखिए इसके अंदर मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। मेरे पास में ऑप्शन आते हैं कि जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा डिलीट, ठीक है, डी वन, और इसके बाद में मैंने क्या किया, रोल नंबर हटा दो, हमारे काम का नहीं है, तो ये आपके जो डिक्शनरी है डिक्शनरी में से रोल नंबर मैंने डिलीट कर दिया। देखिए जो रोल नंबर था वो हमारा यहां से गायब हो चुका है,